मैं सूरज चंदा बस ए दीजो अगले जन्म अगले ड्राइवर बाबू को फोन करना है लेकिन यहाँ पर टावर ही नहीं मिल रहा। पता है ऊंचाई पर चढ़ने पर टावर मिलेगा। हमने ये साड़ी पहन रखी है ना तो चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इलेलिया हम ही बात करा देना। कहाँ मजाक कर रही है फुलमतिया, हमको क्या मालूम है मशीन के बारे में। इया ये देख यहाँ पर जब तीन टावर आएगा ना तो समझ जाना कि नेटवर्क मिल गया। अब बात कर तुझे बाद में बताऊंगी, जल्दी से जा। हम करें हाँ रुक मन। शरम नाम का कोई चीज नहीं है का? बेशरम। किसको गाली दे रही है? पता नहीं रे फुलमतिया, कोई बड़ा बेशरम आदमी है तो अब से जाने मन का रट लगा रहा है। अरे ललिया वो तेरे जीजा जी होंगे, उनको लग रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं। ए ललिया अपने बारे में बता दे। आजा बताएं। प्रणाम जीजा जी, ललिया बोल रहे हैं। आवाज सुन के पहचानिए नहीं पाए, उल्टा सीधा बोल दिए, माफ कर दीजिएगा। चला माफ किया, लेकिन फुलमतिया कहाँ है? फुलमतिया वो पेड़ के नीचे है जीजा जी, हम पेड़ के ऊपर की मशीन का टावर पकड़ रहे थे। ए ललिया क्या बोल रहे हैं? उससे कहिए आई लव यू। ए फुलमतिया जीजा जी कह रहे हैं आई लव यू। ए ललिया उनको बोल दो आई लव यू। ए जीजा जी फुलमतिया भी कुछ हो लव यू टू कह रही है। ए ललिया उनको हमारी तरफ से ये कर देना। चल दम लगा कर।
की माँ। घबरा मत, की बात घबरा मत। एमआई खींच मत निकाल रहे हैं। आराम से क्या? आराम से। ये बाबू बहुत ज्यादा लग गया है। काहे लिए फाड़ रही है तू? इतना खून बह रहा है, बिना बाधे रुकेगा का? तो ठीक है, हम गरीबन के लिए खून और पसीना सब एक बराबर बहता है तो अपने आप सूख भी जाता है। चलो काम शुरू करते हैं, समय बहुत कम है। ये देख बिटिया, तुम्हारे बाबू को तो कौनो फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो चाहते हैं हमें कुछ हो जाए। मेरी उम्र में बूढ़ा हो, तुम्हारे लिए नई माई लाने वाले। काम आई कुछ बोलती है, बच्चों के आगे चिकारी करती हो। तुम ही तो कहती हो इतना प्रेम शंकर भगवान भी पार्वती से नहीं करते। अरे हमरे लिए तो गंगा जमुना काशी प्रयाग तुम ही हो। अब नया का और पुराना का बंद कर रही ठिटोली, चलो काम शुरू करो। लेकिन ये सब का कर रहे बाबू? ये काम के बदले में अच्छी मजूरी मिलने वाली है। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। तू का करेगी? काहे बेटी माँ बाबू को तकलीफ नहीं समझ सकती है का? हम काम में हाथ नहीं बटा सकते हैं। चलिए ए माई, तू वहां जाके छांव में बैठ, तुझे बहुत लगी है। अरे तो ये सब चोट तो लगता रहता है, चलो। अरे लाओ हमको दो। जा, तुम कहां मानेगी। तुम लगा के बादल के गांव में राग में विराजमान।
पैसा। ये बाबू आज खूब ढेर सारा सामान खरीदेंगे। माई आज खूब बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे। ये पैसा खाने के लिए नहीं है लाली, ये तेरा गौना के लिए है। हो गया 28 रुपया का टिकट, फिर ये 7 रुपया का मिठाई और नारियल 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 रुपया का नारियल तो हो गया ना 40 रुपया। देखो तुमने रास्ते के खर्चे के लिए कहाँ बचाए। अरे तू हमार फिकर नहीं कर। काहे मुंह सिलकर जाओगे का? बस तौरा जाने की खुशी में, वैसे भी हमें भूख नहीं लगेगी, समझी तुम? हे बिटिया वहां का कर रही? अच्छा गौना का इतना जल्दी का जरूरत था? ये पैसा से राशन लाते तक लवली मुन्ना कुछ दिन भरपेट खाना तक खा लेता। बिटिया सबके खाने से ज्यादा जरूरी तुम्हारा गौना है। काय नेकी और बेटी ये दोनों चीजों को जिंदगी भर पल्लू से बांध कर नहीं रखा जाता बिटिया। कहा समझी? हमेशा अपने भाई बहनों के बारे में सोचती है, अपने माई बाबू के बारे में नहीं। हमको भी तो तनिक कुछ करने दे। हमको भी तो लगना चाहिए कि बाल बच्चे पैदा किए हैं तो उनके लिए कुछ कर भी रहे। इन्हीं पैसों से हम बस्तौरा जाएंगे और जल्दी से जल्दी तुम्हारा कोना पक्का कर देंगे। चलो बंद करो ये रोना धोना, सावन भादों की तरह बरसने लगती है तुम्हारी आंखें। कहाँ है हमारी धोती कुर्ता? चल चल इस्त्री कर दे। ये रेखवा कहाँ है रे? जी बाबू। हमरे जूते कहाँ हैं? कहाँ मालूम बाबू। जाओ खोजो, चलो जल्दी। हम जल्दी ढूंढेंगे। हाँ बाबू। और चमकाओ। जी बाबू।
का भाव है भैया? 60 रुपए किलो। बाप रे बाप, मिठाई है कि सोना चांदी? और ई वाली ई का भाव है भैया? 80 रुपए किलो। थोड़ा चखने को मिलेगा? कैसी है? कितना तोलो? भैया आपकी मिठाई में मजा नहीं आया। का? अरे भैया लड़की के ससुराल ले जाना है, कोई भी मिठाई ना ले जा सके, कहीं और देख लेते हैं। बतासा कैसे? 28 रुपए किलो। 7 रुपया का बांध दीजिए। बड़ा अच्छा मिठाई होता है, पानी में डुबाकर खाओ जैसे रसगुल्ला। बहुत सुंदर है ना? हाँ। तो बड़ा काटता है जी। कुछ रुई हो तो दो ना। ई लीजिए, ई लगा लीजिए। ये ठीक है। ये मिठाई है ना दीदी? ए मुन्ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? बाहर जाके देखना, बाबू जूता नाप रहे हैं। जा ना। सुबह तड़के की बस है, उठने में देर कर दी तो बस छूट जाएगी। ये ललिया है ना, ये जगाएगी सुबह सुबह? क्यों ललिया, सोएगी तो नहीं? देखो सोना मत, नहीं तो नुकसान तेरा। हाँ।
आज बहुत जरूरी काम है हमको, जिसके लिए आज रात को हम दोनों में से कोई नहीं सोएगा। का है? बाबू को सुबह सही समय पर जगाना है बस तौरा जाने के लिए, लेकिन इस काम के लिए हम अकेले काहे जागे? तुमको भी जागना पड़ेगा हमारे साथ, वैसे भी हमको पता है यहाँ से ले जाने के बाद तुम हमको कौन सा सोने दोगे। यही लिए आज ही जिम्मेदारी तुम्हारी। देखो हमको अगर नींद आए ना तो तुम ये रस्सी खींचकर हमको जगा देना, सोने नहीं देना। ऐसे क्या देख रहे हो? मत देखो, लाज लगता है। मर्द लोग भी ना बस नहीं मानोगे, नहीं मानोगे ना? ठीक है तो हम भी मुंह फेर लेते हैं, लेकिन हमको सोने मत देना।